गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज आपको एक भारतीय अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख आधारभूत एवं मूलभूत जो अर्थव्यवस्था में समस्या आज बनी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। वो पावर्टी, निर्धनता, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ये और बेकारी, इस तरह की समस्या जो है भारत में बनी हुई है, इसको हम अर्थशास्त्र में किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से इनको कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि निर्धनता किसे कहते हैं और बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको प्रकाश डालेंगे। और जैसे कि हम सामान्य तौर पर कह देते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है या इस तरीके से हम सामान्य कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये होती क्या है, इसका प्रकार किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी अर्थशास्त्र की दृष्टि से और गहनता से हम आपको बताएंगे। जैसा कि ये निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी की समस्या काफी चर्चा का विषय रही है 68 वर्षों में, यानी कि 1951 से 1919 के बाद भी देश को करोड़ों व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थशास्त्र अभी तक गरीबी को ठीक से पहचान भी नहीं पाए हैं। इसका अध्ययन निर्धनता से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज भी अच्छी तरीके से हम ये नहीं पहचान पाए कि निर्धन किसे कहा जाता है, आर्थिक असमानता असमानता किसे कहते हैं और बेरोजगारी किसे कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में तथ्यात्मक आधार पर हम इन तीनों की विवेचना बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण निर्धनता से क्या तात्पर्य लिया गया है। यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन पॉवर्टी एलिवेशन को योजना के एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। तब से गरीबी के प्रश्न पर विशेषतः ग्रामीण गरीबी पर काफी लिखा गया और इसके विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों ने गंभीर चिंतन और मनन किया। प्रोफेसर वी एम दांडेकर और नीलकंठ, ए के सेन, बी एस मिन्हाज, प्रणव वर्धन, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, सी एच हनुमंत राव, डॉक्टर योगेश अल्लू, डी टी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर, वैद्यनाथन, डॉक्टर गौरव दत्त, मार्टिन रेवेलियन, डी टेन ए तरोजी, जो डी एस आर हासिम, ए सी सक्सेना, हाल ही में डॉक्टर सी रंगराजन आदि ने निर्धनता के बारे में अपने काफी विचार प्रस्तुत किए। अब हम ये देखेंगे कि निर्धनता से संबंधित ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने किस प्रकार के मत व्यक्त किए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। गरीबी की रेखा क्या है, तेंदुलकर विधि के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 2004 और 5 में 37.2 से घटकर 2011-12 में 21.9% पर आ गया था, यानी कि तेंदुलकर विधि के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात 2004-5 में के मुकाबले 37.2 था, जो घटकर के 21.9 पर आ गया। इस प्रकार 7 वर्षों में 15.3%
बिंदुओं को गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 7 सालों में गरीबी, ये निर्धनता में कुछ कमी हुई है, ये 15.3% पर आ गई। अब हम देखेंगे कि गरीबी की रेखा क्या है। गरीबी की विवेचना प्राय गरीबी की रेखा पॉवर्टी लाइन के बाद उठाई जाती है। हमारे देश में गरीबी का विचार कैलोरी के उपभोग, कैलोरी इनटेक की मात्रा से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी अगर व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग करता है तो उसे गरीब माना गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग से कम करता है उसे गरीब माना गया है। 2011-12 की नई निर्धनता रेखा के में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमा आय अभी आय के स्तर पर माना गया है, आय के स्तर पर 816 रुपए प्रतिमाह जिस व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं उसे गरीब माना गया है और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार रंगराजन विशेषण ग्रुप के अनुसार निर्धनता की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपए और प्रति व्यक्ति प्रति माह शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति माह ली गई है। यानी कि ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी विधि के अनुसार गरीबी की रेखा को परिभाषित किया है। अब हम आपको देखेंगे कि पूर्व योजना आयोग के निर्धनता के आंकड़े 1973, 74, 77, 88, 87, 88, 93, 94, 99, 2000, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 के प्रस्तुत किए गए थे। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता अनुपात यानी पॉवर्टी रेशियो NSS के 68वें दौर के आधार पर 2011-12 के लिए निर्धनता के आंकड़े उपलब्ध किए गए, जिसके अनुसार ये आंकड़े जो प्रस्तुत किए इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 में 21.8%, जबकि 2011-12 में 25.7%, शहरी क्षेत्र में 25.7% और 2011 में 13.7%। संयुक्त रूप से देखा जाए, दोनों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को अगर देखा जाए तुलना करके 2004-05 में जो 37.2% थे ये घट करके 21.2% हो गए। अब हम देखेंगे कि गरीबी की एक सापेक्ष अवधारणा रिलेटिव कंसेप्ट भी होती है, जिनमें चोटी के 10% या 5% व्यक्तियों के व्यय की तुलना निम्नतम 10% या 5% व्यक्ति के व्यय से की जाती है, जिसमें आसमान का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन भारत में गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा को अपनाया गया है, सापेक्ष को नहीं अपनाया गया है। अब हम देखेंगे कि निर्धनता अनुपात में किस प्रकार से ये हम देखते हैं। तेंदुलकर विधि के अनुसार गैर खाद्य वस्तुएं जैसे वस्त्र, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत दबाव के व्यय के आंकड़े 365 दिन के रिकॉर्ड पीरियड के अनुसार इकट्ठे किए गए थे और शेष वस्तु के उपभोग व्यय के आंकड़े 30 दिन के रिकॉर्ड पीरियड के अनुसार एकत्र किए गए थे, जिसमें निर्धनता अनुपात लगभग 21.8% आया था। यानी कि निर्धनता का अनुपात इस ये जो उपभोग की वस्तु है इसके अनुसार मात्र लेकर जिसके अनुसार 21.8% आया था। निर्धनता अनुपात के अन्य अनुमान
प्रतिदिन 20 रुपए से कम उपभोग करने वाले बिहारों का जनसंख्या में अनुपात इस प्रकार रहा। 20 रुपए से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों में ये एक अनुकूल परिवर्तन माना गया, लेकिन 2004-05 में ऐसे लोगों का अनुपात 60.5% होना एक नई चिंता का कारण माना गया है। इस प्रकार निर्धन की श्रेणी से बाहर रखे जाने वाले परिवारों में निम्न परिवार शामिल किए गए थे। निर्धन की श्रेणी में रखे जाने वाले परिवारों में निम्न परिवार शामिल किए गए थे। वे परिवार जो आंशिक या पूरी तरह सिंचित भूमि का स्वामित्व प्रति कृषक परिवार जिले की औसत कृषिगत भूमि का दुगुना रखे हुए हैं, पूरी तरह असिंचित भूमि का तिगुना रखने वाले को भी बाहर रखे गए थे। जिन परिवारों के पास जीप आदि वाहन हो, जिसके पास एक यंत्रीकृत फार्म का सामान ट्रैक्टर पावर टिलर थ्रेसर हार्वेस्टर हो, जिसके पास में कोई 10,000 रुपए मासिक वेतन पा रहा हो सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र का और जो आयकर देता हो, यानी कि इनको निर्धनता की श्रेणी से बाहर रखा गया था। अब निम्नांक की श्रेणी के परिवारों को स्वतः निर्धनों की श्रेणी में शामिल किया गया था, जैसे सूचित किए गए जनजाति समूह के परिवार नोटिफाइड किए गए, महादलित समूह के परिवार, अकेली महिला के परिवार जहां कमाने वाला अक्षम या असमर्थ हो, परिवार का मुखिया एक माइनर हो जो परिवार जीने के लिए भीख पर निर्भर हो, जिन परिवार का कोई घर ना हो, जिन परिवारों में कोई एक बंधुआ श्रमिक हो। इस प्रकार से इस विधि को अधिक सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए एक एस आर हासिम विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, जिसमें 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने उनके शहरी उसके आधार पर शहरी क्षेत्र में गरीबों को मदद के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। विश्व विकास संकेतक 2016 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $9.90 से कम व्यय करने वाली जनसंख्या का अनुपात 2011 में 21.3% आया है। अब हम इसके बारे में कंटिन्यूअस आपसे चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर इतनी सूचना आपको बताकर आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू।